नमस्कार, शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है। आज हम किचन का फ्लोर और खास तौर से किचन के जो कॉर्नर्स होते हैं ये साफ करेंगे। किचन के फ्लोर अक्सर क्या होता है, सब्जियों के छिलके कुछ और कभी तेल के छिटके भी आ जाते हैं तो थोड़े ग्रीजी और गंदे ज्यादा हो जाते हैं। तो चलिए साफ करना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए, एक मग्गे में मैं 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, खाने का सोडा। इसमें हम थोड़ा सा लिक्विड शैम्पू या लिक्विड सोप डालते हैं, ये करीब 3 चम्मच है। इसमें हम देखिए पानी डालेंगे करीब 1/4 मग, और ये देखिए इसमें थोड़ा सा ये फैब्रिक ब्लीच, आप फैब्रिक ब्लीच ही लीजिए क्योंकि ये तेज नहीं होता है, आप नॉर्मल ब्लीच मत लीजिएगा। अब हम देखिए इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। नॉर्मल ब्लीच मार्बल को नुकसान पहुंचा सकता है, उसमें दाग पड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें इसे डिप करेंगे स्कॉच ब्राइट को, और थोड़ा अच्छे से, और ये कॉर्नर्स पे इसे ऐसे स्क्रब करेंगे, और ना सिर्फ कॉर्नर पे बल्कि ये पूरे फ्लोर पे हम बिछा के ऐसे, ये देखिए लगाते साथ कितना इसमें गंदा निकल रहा है, मैल निकल रही है, इसे ऐसे स्क्रब करेंगे। और खास तौर से इन किनारों को रगड़ेंगे। अक्सर क्या होता है, हमारी अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प भी होती है वो झाड़ू करके किनारों पे थोड़ा कचरा छोड़ देती है, या फिर कई बार तो वो बीच का कचरा भी किनारों पे ले जाके छोड़ देती है, तो किनारे हमारे ऐसे गंदे हो जाते हैं। और ये देखिए इसे लगा के हम करीब 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे। साथ ही साथ ये जो स्कटिंग कहते हैं इसे भी हम रगड़ लेंगे। साथ ही साथ हम सिर्फ किनारे नहीं, सेंटर में भी पूरा फर्श ऐसे इस पे ये रगड़ के ये सॉल्यूशन बिछा लेंगे। अब हम ये बीच का फ्लोर कर रहे हैं किचन में। अब हम ये किचन के दूसरे तरफ के कॉर्नर्स कर रहे हैं। ये कंपैरेटिवली कम गंदा है क्योंकि ये किचन के काउंटर के नीचे वाला नहीं है, काउंटर के नीचे वाला अक्सर ज्यादा गंदा होता है। अब हम क्या करेंगे, एक टूथब्रश लेंगे और ये कॉर्नर्स जहाँ की स्क्रॉच ब्राइट से भी शायद ना साफ हो उससे हम कॉर्नर्स रगड़ेंगे ताकि वहाँ जो भी मैल हो, डस्ट हो, गंदगी हो वो निकल जाए। देखिए सॉल्यूशन को छोड़े हुए करीब 8 मिनट हो गए हैं और सारी मैल निकल गई है। अब हम इसे पोंछेंगे और देखिए कितना साफ होते जा रहा है, कितना साफ हो रहा है। ये कॉर्नर्स भी सब ऐसे फ्लोर भी पोंछ लेंगे, और एक बार इस कपड़े से पोंछ के थोड़ा सा पानी डाल के एक और बार इस फ्लोर को, इस फर्श को पोंछ लेंगे। अब ये मेरा कैमरा पता नहीं कितना कैप्चर कर पा रहा है, पर ये मेरा फ्लोर और मेरे किनारे ये जो हैं सारे किचन के ये बहुत साफ हुए हैं। कितनी जमी हुई जिद्दी मैल निकल रही है। अब हम एक साफ कपड़े से इसे और पोंछ लेंगे। ये देखिए कितना हमारा फर्श और किनारे साफ हो गए हैं, आपको याद होगा ना पहले कैसे थे। तो आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।